देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। तो यहाँ देखिए 8 तरीके से, कहीं की किताब के अंदर 9 या कहीं पे 6 तरीके से दे रखा है। तो जितना ज़्यादा डेटा मिला है मैंने आपको क्लासीफाई करके बता दिया है। तो देखिए फर्स्ट 8 तरीके से इसमें बता रखा है, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, ओपन और क्लोज, मैन मेड, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, परमानेंट और टेम्प्रेरी सिस्टम, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, सोशल, ह्यूमन मशीन और मशीन सिस्टम। तो इन 8 तरीके के अंदर इनको क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सभी को डिटेल के अंदर समझते चलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है, कैसे बनता है, वही वाला क्वेश्चन बनेगा, फाइव ओड वन आउट। आपको इनमें से 3 दे देंगे और पूछेंगे एक कौन सा नहीं है, मतलब एक अलग आपको कुछ मन से बना के दे देंगे। तो आपको 8ों के ये पता होना चाहिए कि क्या क्या बोल रहा है। ओके, तो वन बाय वन चलेंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा कैटेगराइजेशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए ये जो पॉइंट्स है फिजिकल सिस्टम के बारे में, और ये वाले पॉइंट है आपके एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में। तो देखिए फिजिकल सिस्टम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल सिस्टम आर रियल एंटिटीज। जो रियल एंटिटीज है उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल सिस्टम बोलेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, होटल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी होगा आपका, कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, रियल एंटिटीज है। मे बी स्टेटिक और डायनेमिक नेचर, ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो स्टेटिक नेचर का हो सकता है या डायनेमिक नेचर का हो सकता है। तो फर्दर देखिए, स्टेटिक अगर हम फिजिकल सिस्टम की बात करें, उसके अंदर डेस्क हो सकता है, चेयर हो सकता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके स्टेटिक, जो चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार डेस्क बनते हो उसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, चेयर बन के उसके अंदर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, कंपोनेंट बन के उनके अंदर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, पूरा कंपोनेंट चेंज होगा। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स इन विच डेटा प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। यूजर की नीड के अनुसार अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं तो आप उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसके अंदर फर्दर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स आर नॉन फिजिकल और कंसेप्चुअल एंटिटीज, रिप्रेजेंट रियल सिस्टम। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे मॉडल ऑफ अर्थ। अब जैसे अर्थ को तो हम रियल में अर्थ है ही है, पर हम उसको एग्जिस्टेंस तो बता नहीं सकते, तो हम उसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप में, छोटे रूप के अंदर हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मॉडल ऑफ अर्थ, मैप ऑफ अर्थ, ओके। ट्रैफिक सिस्टम, अगर आपको ट्रैफिक सिस्टम के अंदर बोले काम करने के लिए, आपको रियल टाइम ट्रैफिक सिस्टम को एनालाइज करना है, तो आप थोड़ी हर एक रोड के ऊपर, हर एक सिग्नल के ऊपर जाकर उसको चेक करोगे, आप क्या करोगे, उसका एक मॉडल पुट ऑन करोगे और बताओगे हाँ यहाँ से यहाँ रूट है, अगर यहाँ रूट खुलेगा तो ये वाला रूट बंद रहेगा, फर्स्ट टाइम लेफ्ट टाइम डाइवर्जन मिलेगा, फिर राइट टाइम डाइवर्जन मिलेगा। तो ट्रैफिक सिस्टम भी एक तरह किसका एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का। मैथमेटिकल इक्वेशन है, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे कमरे की लंबाई है वो एल ले लेते हैं, कमरे की चौड़ाई है डब्ल्यू ले लेते हैं, ब्रेथ ले लेते हैं, ओके। तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर जाएंगे। उस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम बात करें तो हम जो राउटिंग करते हैं, जो राउटर्स, राउटिंग कौन करता है, राउटर्स का काम है, तो भी एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, आपको दिख नहीं रहा है पर वहां पे काम हो रहा है, स्विचिंग का, राउटिंग का, फ्लडिंग का। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट किसके अंदर आएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए सेकंड पॉइंट, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम दैट फ्रीली इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट, ऐसा सिस्टम जो उसके एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो जो फर्स्ट हमने वीडियो बनाया था, फर्स्ट सेकंड वाला, जिसके अंदर हमने एनवायरमेंट बाउंड्रीज की बात की थी, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपका सिस्टम है और सिस्टम के बाहर जो भी एलिमेंट्स है, कॉम्पोनेंट है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एनवायरमेंट बोलता हूँ। और ये आपकी क्या हो गई, बाउंड्री, और ये आपका क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया। तो ऐसे में एलिमेंट्स जो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। कैन टेक इनपुट एंड रिटर्न आउटपुट टू सिस्टम, यहाँ से आप इनपुट ले सकते हैं, उसका आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। इट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द यूजर, अगर यूजर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, उसका फीडबैक प्रोवाइड करेगा और फिर फर्दर सिस्टम के अंदर उसको उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बिजनेस, बिजनेस का मैंने एग्जाम्पल यही था आपको मोबाइल वाला, कि अगर मोबाइल आपने मार्केट में डाला है और यूज़र को लग, आपने 4G मोबाइल की हमने बात की थी, यूज़र को चाहिए 5G, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपका जो सिस्टम है, कंपनी है, वो 5G मोबाइल भी लॉन्च कर दे, कि अगर उसके अंदर उसको ज़्यादा कैमरे की जरूरत है क्वालिटी की, तो फर्दर वो उसका एक नया वेरियंट
बेनिफिट ला सकता है। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को फर्दर कुछ और बुक्स की ज़रूरत है जो लाइब्रेरी के बाहर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट हो रहा है। एनवायरनमेंट मतलब आपका यूज़र, तो क्या करेगा, लाइब्रेरियन जो भी है फर्दर बुक्स का इंतजाम करेगा। कॉलेज की अगर बात करें, कॉलेज के अंदर आपने अगर फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है तो क्या होगा, ये सारा का सारा इम्पैक्ट किसके ऊपर करेगा, एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, फीस बढ़ेंगे तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई आपने फीस क्यों बढ़े, हम इतनी फीस नहीं दे सकते। ओके, बैंक है, बैंक के अंदर आपने क्या कर दिया, FD की जो इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, FD कराने की कोशिश करेंगे, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में जमा करेंगे। अगर यहाँ पर अगर आपने FD की रेट गिरा दी तो क्या करेंगे, लोग अपना पैसा विड्रॉल करेंगे और दूसरी जगह के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ओपन सिस्टम, जिसके अंदर अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं सिस्टम के अंदर तो पूरा एनवायरमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्लोज सिस्टम की बात करें तो डज नॉट इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। अ क्लोज सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो इसका इस एनवायरमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अ कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम इज रेयर, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो हम बता सकते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम, ओके, रेयरली एग्जिस्ट करता है, ये एक सिर्फ कंसेप्चुअल, ओके, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट इनपुट एंड आउटपुट, जैसे ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम आपने बनाया जो इनपुट ही नहीं ले रहा, आउटपुट ही दे रहा, तो उस प्रोग्राम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और भी एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे ये जार है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ओके, और जो केमिकल रिएक्शन है उस जार के अंदर ही हो गई, पर उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये क्लोज सिस्टम है, इस डिब्बे के अंदर था क्लोज और वहीं पे ख़त्म हो गया और वहीं पे स्टार्ट हुआ, तो इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नेक्स्ट चलते हम। तो देखिए थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हो रही है, डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, MIS। इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे उनके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सबका क्या रहता है, डेटा रहता है कि भाई एम्प्लॉय किस किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, किस किस सेक्शन के अंदर कर रहा है, वो सारा का सारा कहाँ रहता है, MIS के अंदर रहता है। एंड MIS इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस देट आर यूज टुगेदर इन ऑर्डर टू हेल्प मैनेजर एंड सीनियर, मतलब जो एम्प्लॉय है आपके E1 E2 E3, ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया P1 P2 P3 P4 सोन, हो सकता है ये एम्प्लॉय P2 प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करा हो, E2 P4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा हो, E3 है वो P1 के ऊपर भी काम करा हो, P3 प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हो, तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ रहता है, आपके एक MIS के अंदर रहता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। जिससे क्या होगा, जो आपके मैनेजर है सीनियर से जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो उनको क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव, तो नाम से ही पता चल रहा है, एडेप्टिव का मतलब ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो सकते हैं, एडेप्टिव सिस्टम रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट इन अ वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड टू सर्वाइव। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो रेस्पॉन्ड देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ह्यूमन बींग और एनिमल, इसका मतलब क्या हो गया, सर्दी गर्मी बरसात, इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, एनिमल भी क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। और यही नॉन एडेप्टिव की अगर हम बात करें, उसके अंदर क्या होगा, नॉन एडेप्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम विच डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो जैसे चेयर हो गई, डेस्क हो गई, इनको सर्दी गर्मी बरसात इनसे कोई लेना देना नहीं है, एनवायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है ये कभी अपने आप को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो देखिए परमानेंट और टेम्प्रेरी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अगर जो सिस्टम रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस पॉलिसी जो बनाई जाती है बड़े बड़े बिजनेस के अंदर बिजनेस को रन करने के लिए, वो लंबे समय तक रन करती है। साइंस लॉस जो हम साइंस पढ़ते हैं उसके अंदर, ओके, फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेम्प्रेरी सिस्टम का क्या मतलब है, टेम्प्रेरी सिस्टम इज मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड आफ्टर दैट दे आर डेमोलिश। टेम्प्रेरी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है,
कुछ समय के लिए या अल्पकालीन समय के लिए हम उसको बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसका डेमोलिश कर देते हैं। अच्छा जो एग्जांपल है ये देखिए, अ डीजे सिस्टम, या डीजे सिस्टम इज सेटअप फॉर अ प्रोग्राम एंड इट इज डिसेबल्ड आफ्टर द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए एक डीजे सिस्टम बनाया जाता है और उसके बाद जैसे इवेंट जो ऑर्गेनाइज करता है, इवेंट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। इसी के अंदर नेक्स्ट जो टाइप है देखिए, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, द नेचुरल सिस्टम आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द नेचर, ऐसे सिस्टम जिसको नेचर ने मैन्युफैक्चर किया है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सोलर सिस्टम, सीजनल सिस्टम, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर किससे क्रिएट किए हैं, आपके नेचर ने। वैसे क्रिएटेड बाय आएगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगा है ना, यहाँ पे आएगा क्रिएटेड। नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय नेचर, मैन्युफैक्चर्ड मतलब इंसानों ने जो बनाए, मैन मेड सिस्टम या मैन मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन, रॉकेट, डैम, सेटेलाइट। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं, आपके मैन मेड या मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम के। तो चलिए फर्दर चलते हैं हम, तो देखिए नेक्स्ट, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। तो देखिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम मतलब हम डिटरमाइन कर देंगे या हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई अगर ये प्रोसेस हम करते हैं इसका ये आउटपुट रहेगा, और प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या है कि एक आंकलन अप्रोक्सीमेट होगा कि अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट नहीं होगी, राउंड अबाउट नियर बाय होगी। ओके तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट्स इन अ पीरियोडिक इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, हम क्या करते हैं चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कॉम्पोनेंट इज नॉन विद सर्टेनिटी, कुछ सर्टेनिटी के साथ हमें इसका जवाब मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ देखिए, टू मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, दो मोलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के एंड वन मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल साथ बनेगा तो ऑब्वियसली बात है हमेशा जब ये बनेगा तो आपको क्या देगा, एक वाटर मोलिक्यूल देगा, क्या देगा, वाटर मोलिक्यूल। ओके तो ये क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटर हमने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है कि ऐसा सिस्टम है ये कि अगर मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूँ किसके, हाइड्रोजन के और एक लेता हूँ ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा, वाटर का, पानी का एक कण बनेगा। पर अगर यही बात करूँ मैं प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर, तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम शोज अनसर्टेन बिहेवियर, मतलब जो बिहेवियर देगा, आउटपुट देगा, वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आकलन के ऊपर कैसे आप एनालिसिस करते हो। द एग्जैक्ट आउटपुट इज नॉन, एग्जैक्ट आउटपुट का श्योरिटी से आप नहीं कह सकते कि हो ही होगा। वेदर फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग करते ही करते हैं, बोलते हैं 5 दिन बाद अगले 3 दिन तक लगातार भारी बारिश आएगी, पता चला बूंदाबांदी हुई हल्की सी और बारिश नहीं आई, और फिर बोलते हैं कि इस बार अगले 5 दिन बाद बिल्कुल बारिश नहीं आएगी और पता चला भारी बरसात आ गई, तो ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है। तो वेदर फोरकास्टिंग जो सिस्टम है क्या है आपका, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, जिसके अंदर आप बिहेवियर क्या रहता है आपका, अनसर्टेन रहता है, जबकि डिटर्मिनिस्टिक के अंदर जो आपका बिहेवियर क्या रहता है, सर्टेन रहता है कि हाँ ये चीज ही होगी अगर दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए लास्ट जो इसकी कैटेगरी है वो क्या है, सोशल ह्यूमन और ह्यूमन मशीन्स और मशीन सिस्टम। तो वन बाय वन देख लेते हैं हम इसके बारे में। सोशल के अंदर क्या होगा, सोशल सिस्टम इज मेड अप ऑफ पीपल, ऐसा सिस्टम जो लोगों से बना हुआ, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोशल क्लब, सोसाइटीज, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल, आपके सोशल सिस्टम का। ह्यूमन मशीन्स, बोथ ह्यूमन एंड मशीन्स इन्वॉल्व टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, इसके अंदर ह्यूमंस और मशीन दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे किसी पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाना तो ऑब्वियसली बात है हमें ही बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे किसके अंदर आप, कंप्यूटर के अंदर। मशीन सिस्टम इज वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नेग्लेक्टेड, जहाँ पे ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है क्या है, न के बराबर है। ऑल टास्क आर परफॉर्म बाय मशीन्स, एक बार हमने मशीन्स को ऑटोमेटेड मोड के अंदर रन कर दिया, उसके बाद ह्यूमंस का उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा ना के बराबर। एग्जाम्पल आपके रोबोट जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, ओके, हैंडी जो रोबोट्स होते हैं, ड्राइवरलेस कार, इसके अलावा अगर आप बात करें तो हेलीकॉप्टर के अंदर, ऑटो मोड के अंदर हेलीकॉप्टर जो रखते हैं या एरोप्लेन को जो रखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है अगर एक बार हम उनको ऑटोमेटिक मोड के अंदर सेट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन थे हमारे सिस्टम के, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
द सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे, तो सिस्टम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगा, आपको किन किन टर्म के अंदर कैटेगराइज किया याद है, तो आप आराम से आंसर जल्दी दे सकते हैं। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट यस, ओपन और क्लोज यस, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम यस, डी ऑल ऑफ द बो। ए होगा मतलब क्या है, ऑल ऑफ द बो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।